समस्ता सुखिनो भवन्तु। नववर्ष और नवरात्रि के प्रथम दिवस की शुभकामनाओं सहित समर्पित करती हूँ दुर्गा सप्तशती अर्थात देवी महात्म्यम का संपूर्ण पाठ। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की प्रतीकात्मकता की व्याख्या है और देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन है। यह ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का अंश है और क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं इसीलिए इसे सप्तशती कहा जाता है और मूलतः नवरात्रि में इसका पाठ किया जाता है। कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने के साथ साथ इस ग्रंथ में मां शक्ति की असीम अनुकंपा के इतिहास के बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य संकलित हैं। सकाम भक्त इसके श्रवण पठन से दुर्लभतम इच्छाओं की सहज ही प्राप्ति कर लेते हैं और निष्काम भक्त को प्राप्त होता है परम दुर्लभ मोक्ष। तो आइए इस ग्रंथ से पहले परिचय कर लेते हैं। एक बार सुरत नाम के एक राजा थे। बड़े ही ज्ञानी थे वे, किंतु उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उनका राज्य छिन गया और उन्हें भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ी। उनका ज्ञान उन्हें समझाता था कि अब वो छिना हुआ राज्य पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु फिर भी बार बार अपने राज्य, अपने खजाने, अपने प्रजाजनों, प्रियजनों, विश्वास पात्रों की चिंता उन्हें सताती रहती थी। यद्यपि उनके लिए अब वो सब निरर्थक था, लेकिन उस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। मुक्त रहना चाहते थे लेकिन मन नहीं मानता था। मन उस ज्ञान की अवहेलना कर बार बार उन्हीं वस्तुओं की ओर खिंचा चला जाता था। तब वे ज्ञानी राजा सुरथ अपनी इस असाधारण शंका के निवारण के लिए जाते हैं परम ज्ञानी ऋषि मेधा के पास। तो तब मेधा ऋषि उनसे कहते हैं कि ताम उपैहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्ग पवर्गदा। महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करते हैं। वह विशेष शक्ति भगवान की क्रियाशील शक्ति से परे महामाया है जो सारे संसार को जोड़ती है, पूरी सृष्टि को संचालित करती है, संग्रहित और नियंत्रित करती है तीन अलग अलग रूपों के माध्यम से। सर्वप्रथम महाकाली जो महामाया सृष्टि को काल की गति देती है, परिवर्तन की निरंतरता को बनाए रखती है। द्वितीय महालक्ष्मी जिस स्वरूप के माध्यम से वो महामाया सृष्टि का संधारण और संपोषण करती है। और तीसरा स्वरूप है महासरस्वती का जो सृष्टि के विकास की अवस्था का संचालन और नियंत्रण करती है, जिनके द्वारा सृष्टि में चेतना का, ज्ञान का बहुआयामी विकास होता है। तो इसी अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य को प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। इस ग्रंथ में जनमानस की जिज्ञासा पूर्ति हेतु सृष्टि की इन्हीं तीन अवस्थाओं को अनेकों रूपकों की सहायता से साधारण तरीके से, बोधगम्य तरीके से, सरलता से
समझ आने वाली कथा के रूप में किया गया है। आज प्रथम नवरात्रि है, अत्यंत शुभ अवसर है और आज से हम इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति भाव से इसे सुनिए व पढ़िए और मां जगदम्बा की कृपा का अनुभव कीजिए। जगत जननी मां दुर्गा भगवती आप सबके सब मनोरथ सफल करें। तो आइए श्री गणेश करते हैं सप्त श्लोकी दुर्गा के सात श्लोकों के साथ। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। शिवजी कह रहे हैं देवी से, शिव उवाच, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विधायनी कलौ ही कार्य सिद्धि अर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तो देवी बोली, देव्योवाच, श्रुणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्रियं वास्तुतिः प्रकाश्यते। हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनिए, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती पूज्य देवियां हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञान नाम पिचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वन्द्याः सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। हे भगवती माया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पवित्र हृदय से चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली हे देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है, आतुर रहता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।
हे देवी नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, समस्त संसार पर सदा हर काल में दृष्टि बनाए रखने वाली त्रिनेत्री हो, गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है मां। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे मां, कोई भय हमें व्याप्त न हो, सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है मां। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा अरुष्टा तुकामान सकलान भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम् एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर्विनाशनम्। हे देवी महामाया, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति कभी नहीं आती। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कर और हमारे शत्रुओं का सदा नाश करती रहो मां। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया दृष्टि, तुम्हारी अनुकंपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। यहां पर श्री दुर्गा सप्तश्लोकी को हम समाप्त करते हैं। इसके साथ ही आज के पाठ को यहां विराम देते हैं। कल हम जानेंगे दुर्गा मां के 108 नाम और उनके प्रभाव के बारे में। बने रहिए इस महान ग्रंथ के पाठ में मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, जय दुर्गा, जय भारत।